रविवार को मांकापुर परिसर के विकास भवन में मुस्लिम समाज भाइयों के लिए संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्ला अली ट्रस्ट के चेयरमैन एवं मुस्लिम समाज के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता प्यारे खान शामिल हुए थे, जिन्होंने उपस्थित मुस्लिम समाज भाइयों के साथ संवाद किया। मुस्लिम समाज भाइयों के विकास को लेकर कई सवाल है, जिन्हें सही नेतृत्व न मिलने से न्याय नहीं मिल पाया है। इन सवालों पर जवाब देने और समाज के लोगों को एक राह दिखाने और एक नेतृत्व तैयार करने के लिए प्यारे खान ने समाज के लोगों के साथ चर्चा की। कार्यक्रम में मुस्लिम भाइयों ने उनके राजनीतिक स्थिति और मुस्लिम समाज के विकास पर प्यारे खान से कई सवाल पूछे। प्यारे खान ने इन सवालों का जवाब देते हुए विश्वास जताया कि आने वाले समय में वह समाज के बच्चों के भविष्य के बारे में विकास की राह आसान करेंगे। हर समाज अपने समाज के लिए पूछता है कि भाई हम अगर वोट देंगे तो हमको क्या मिलेगा, लेकिन मुस्लिम समाज एक ऐसा समाज है कि वो कभी नहीं पूछता कि हम अगर वोट देंगे तो हमको क्या मिलेगा। हमको ये पूछना बहुत जरूरी है, इससे हमारे बच्चों का फ्यूचर जुड़ा हुआ है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। आप देखिए, जिस समाज के 2% लोग हैं उनके यहाँ CM, PM, खासदार, आमदार, राज्यपाल सभी जाते हैं। जिस समाज के 15% लोग हैं उसके यहाँ कोई नहीं है, क्योंकि हमको ऐसा प्लानिंग करके उन्होंने डिजाइन करके रखा है कि भाई बस आप वोट देने के ही लाइक रहो, इससे ज्यादा तुम्हारा कोई भी वर्चस्व। इस वक्त उपस्थित अन्य बाशिंदों ने अपने विचार मंच के साथ साझा किए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में रहते हुए मुस्लिमों को अपने अधिकार मिलने चाहिए, मुस्लिम समाज को शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सेवा मिलनी चाहिए। आज हम लोग मानकापुर में श्री प्यारे खान साहब के अध्यक्षता में एक प्रोग्राम लिया गया है, जो मानकापुर स्लम एरिया है उसके बाबत, जो आज यहाँ पर हमारे पिछले काफ़ी हमारे एक MLA रहे मिस्टर विकास ठाकरे जी, जिन्होंने काफ़ी एरिया में कहीं कुछ काम किया कहीं नहीं किया, तो उनसे लोग काफ़ी इधर नाराज़ है और इस बाबत लोग आज जुड़े हैं। तो आज हमारे जो प्यारे नेता श्री नितिन जी गडकरी, तो इनके लिए आज एक सभा ली गई है, इसमें हमारे मुस्लिम समाज के काफ़ी लोग यहाँ पर आए हैं जो श्री नितिन जी गडकरी से निस्बत रखते हैं और उनके कार्यों से रखते हैं। जो आज उन्होंने हमारे नागपुर सिटी का जो विकास किया है, हमारे यहाँ आज सड़कों से लेके सीमेंट की सड़कों से लेके IIT IIM का जो लाया है गडकरी जी ने श्री हमारे, तो आज काफ़ी विकास कार्य किया है, इंडिया लेवल पे किया है। हमारा सौभाग्य है कि जो गडकरी जी आज हमारे यहाँ पर हमारे नेता है नागपुर के, और इनको हमें अच्छे भारी मतों से, जो उनकी ख्वाहिश है कि हमको 5 लाख वोटों से जिताना है, और हम लोग इंशाअल्लाह उनको जिता के रहेंगे यहाँ पर, और हमारा मुस्लिम समाज उनके पीछे है और हम ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में उनको वोट देंगे। और हमारा जो मानकापुर से लेके बगदादिया नगर है, इधर का काफ़ी बड़ा जो क्षेत्र है, श्री गडकरी जी के साथ है और साथ में खड़े रहेंगे हम, और प्यारे खान साहब के पीछे है, प्यारे खान साहब जी हमारे नेता है और हम उनके पीछे हैं। हमारे इलाके के पश्चिम नागपुर के काफ़ी हजरात पढ़ा लिखा तबका यहाँ जुड़ा है, लेडीज़ भी है, जेंट्स भी है और हमारे साथी लोग भी है। इन सब से हमने यही रिक्वेस्ट की है कि आने वाले 19 तारीख को नितिन जी को बहुत बहुमत वोटों से वो वोटिंग करें और जिता के लाए, ताकि वो हमारे कौम और मिल्लत के मसले मसाइल को समझे और हमारे विकास के लिए हमें ये दो ही पॉइंट उनके सामने रखे हैं, मुसलमानों को, माइनॉरिटी को शिक्षा और हेल्थ एंड एजुकेशन, इस पर वो फोकस करें और हमारे मसले मसाइल जो हेल्थ एंड एजुकेशन के हैं उसमें वो प्रयास करें, ताकि हमारा समाज भी, हमारा तबका भी धीरे धीरे उन्नति की ओर आए, अग्रसर रहे। यही बात हमने उनके सामने भी रखी और कौम मिलत के सामने रखे। हमें आशा है कि वे हमारे कामों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज़ादी के बाद 75 साल हो गए मुसलमानों ने कांग्रेस का दामन पकड़ा था, तो कांग्रेस का दामन पकड़ने के कारण मुसलमानों ने जो है कांग्रेस की गलत नियतों ने उसको गर्त में डाल दिया। आज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट यह है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान सब में गरीब बस्ती और मुफलिसी की ज़िंदगी मुसलमान जी रहा है, जिसके बच्चों के हाथों में पेन और कलम होना चाहिए, उनके बच्चों के हाथों में जो है पाने और पिंचेस हैं। इस गलत नीतियों के कारण प्यारे खान साहब पूरे नागपुर ज़िले के अंदर एक ऐसे नेतृत्व, जो नितिन गडकरी जी हैं, जो समस्त समाज के विकास की बात करते हैं, जो धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करते, और वो कहते हैं कि समस्त लोगों को विकास की बुनियाद बुनना चाहिए और विकास के साथ आना चाहिए। तो नितिन गडकरी जी ने जो नागपुर के अंदर विकास किया है, वो पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे भारत के अंदर उस विकास की गूंज है।
और पूरा दुनिया के अंदर उस विकास की गूंज है। तो नागपुर शहर का मतदाता इस बार मुस्लिम मतदाता, खास तौर पे मुस्लिम मतदाता जो है वो 70% मतदान जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो रहा है, जिसका बहुत बड़ी जवाबदारी और बहुत नेक नियत से काम जो है हमारे प्यारे खान ज़िया खान साहब, जो हमारे समाज के उद्योगपति भी हैं और सामाजिक भी हैं, तो उन्होंने इसका बीड़ा उठाया है और वह जो है पूरी हिंदुस्तान में एक मैसेज देंगे कि नागपुर के मतदाताओं ने 70% भारतीय जनता पार्टी नितिन गडकरी जी को मतदान करके इतिहास रचा है। मुस्लिम समाज के इस आयोजित कार्यक्रम में कई मुस्लिम युवा और जानकार लोगों ने हिस्सा लिया और सवाल पूछकर अपनी शंकाओं का निराकरण कर लिया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।